नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। सो कनाडा स्टूडेंट वीज़ा की रिफ्यूजल्स आई बच्चों की, और मेरे पास बच्चे आ रहे हैं क्योंकि जनवरी के रिजल्ट जैसे जैसे आ रहे हैं उसमें वीज़ा भी आ रहे हैं। और नो डाउट जब रिजल्ट की बात करते हैं उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, रिफ्यूज़ल भी होते हैं। तो रिफ्यूज स्टूडेंट भी विजिट कर रहे हैं, वो भी अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ दोबारा से कैनेडा पूछना चाहते हैं, कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन लेना चाहते हैं। तो क्या बेस्ट ऑप्शन है, क्या राइट ऑप्शन है फॉर दो स्टूडेंट जो इस कैटेगरी में आते हैं, वीडियो को एंड तक देखें। हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है दी वीज़ा ऑफिस, आप उसको फॉलो कर सकते हैं ताकि जो क्विक अपडेट है वो भी आप तक पहुंचती रही। और किसी भी कंट्री का स्टूडेंट वीजा के रिगार्डिंग क्वेरी अप्लाई करना चाहते हैं, प्रोफाइल डिस्कस करना है, यू कैन कॉल अस ऑन 9041090410 विच इज अवर हेल्पलाइन नंबर। सो यहां पे बात करते हैं कनाडा से मल्टीपल रिफ्यूजल के बाद क्या ऑप्शन बचता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ हमें समझना पड़ेगा कि कब कनाडा का ड्रीम हमें होल्ड करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। दोनों ऑप्शन डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल। चलो ड्रीम तो हमेशा रहता है, 5 साल बाद भी रहता है, कई ऑप्शंस होते हैं। तो कौन सा टाइम है जब हमें पता है कि अब हमें ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए, वेस्टेज ऑफ टाइम एज वेल एज मनी। जब हमें पता है कि अब तो टाइम या मनी की वेस्ट है, वो स्टेज तब आती है जब आपकी 2-4 रिफ्यूजल्स लग चुकी हैं, प्रोफाइल में भी 2 साल से ज़्यादा गैप पड़ चुका है, जहाँ आपके जो रिफ्यूजल के रीजंस है उसको आप क्लियर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, रिफ्यूजल का रीज़न है लो एकेडमिक, आपके परसेंट वाइज स्कोर 55% से नीचे था, 50% था, आपको वीज़ा नहीं दे रहे, आपका आयस इम्प्रूव नहीं हो रहा, आपने बहुत ट्राई कर लिया, ओवरऑल 6 से नॉट लेस देन 5.5 से ऊपर नहीं जा रहा, और आपको ऑब्जेक्शन आ रहा है लैंग्वेज एबिलिटी, जिस आज की डेट में बहुत ही आए हैं। मतलब ऐसा रीज़न जिसको आप अब जस्टिफाई नहीं कर सकते, आपने करके ट्राई कर ली। आई नो जब नहीं कर सकते तो भी बंदा SOP चेंज करता है, उसके ऊपर मेहनत करता है, तो आपने वो भी कर लिया। तो मतलब आपने ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन अपने यूज कर लिए, लाइफ लाइन खत्म होगी, अब क्या है? तो देखिए, ऐसे बच्चों के लिए क्लियर एडवाइस है, आपको ये राइट टाइम है कि आपको UK सोच लेना चाहिए। जी हाँ, काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे, पहला क्वेश्चन जब UK की बात करते हैं ना, स्टूडेंट कहता है जी वहाँ PR नहीं है। तो अगला क्वेश्चन बच्चे को मेरा होता है कि भाई इंडिया से अच्छा है कि नहीं, ये बताओ। एक तो है कि यही ज़िंदगी निकाल लो इंडिया में बैठे बैठे, दूसरा है किसी बाहर की कंट्री का ऑप्शन मिलता, क्या पता वहाँ आप अच्छी स्टडी करके अच्छी जॉब ले लो, उसके बाद आगे कैनेडा के पाथवे भी कुछ ना कुछ ओपन हो सकता है, यू नेवर नो। उनको इमिग्रेंट तो चाहिए, तो अगर स्टूडेंट नहीं तो क्या पता कल को PR के लिए एलिजिबल हो जाए, डिपेंड करता है इसकी, चलो गारंटी नहीं होती, जो बच्चे के ऊपर है। तो ऐसा है कि जहाँ तो यहीं बैठे रहो, ट्राई करते रहो करते रहो करते रहो, और उसके बाद थक हार के बैठो कि चलो कोई काम वगैरह यहीं कर लेते हैं, जहाँ किसी अच्छी कंट्री में जाओ ताकि आपका जो माइंड है जो इतनी स्ट्रेस में है उसको थोड़ी रिलीफ मिलेगी। चलो भाई किसी अच्छी कंट्री में बैठे हैं, 4 पैसे कमा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई गैप का इशू नहीं है, कम से कम वहाँ कोई 4 बंदे पूछ नहीं रहे कि तेरा वीज़ा नहीं आया, अब क्या करना है, क्या सिनेरियो है, तो ये सिस्टम तो रहता है। बट स्टिल अगर हम एजुकेशन की बात करें, जब कोई बच्चा सीरियसली अच्छी एजुकेशन लेना चाहता है तो उसको मैं हमेशा नंबर 1 पे रखता हूँ कि आपको UK जाना चाहिए। एजुकेशन के मामले में आप UK का कंपैरिजन बाकी कंट्री से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि UK का जो अभी एजुकेशन का सिस्टम है, अभी जो एडमिशन होता है सिर्फ यूनिवर्सिटी में होता है, मतलब कोई कॉलेज नहीं होगा, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज होंगी। यूनिवर्सिटी एडमिशन देंगी तो आपको पता है यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि वो प्रॉपर वे में हर एक चीज़ को प्रॉपर वे में रखते हैं, चाहे पढ़ाने से लेके एडमिशन का सिस्टम हो, तो स्ट्रीमलाइन चीज़ें चलती है। सो अब कनाडा रिफ्यूजल को क्यों कहा जाता है कि UK के लिए आपके लिए ठीक है, रीज़न ये है कि कनाडा रिफ्यूज स्टूडेंट UK के लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट प्रोफाइल होता है। अगर यूनिवर्सिटी की एंट्री रिक्वायरमेंट देखें, आपको पता है UK कनाडा रिफ्यूजल का क्या सीन होगा, पिछले 2-3 साल की उसकी रिसेंट पासवर्ड एजुकेशन होगी, रिसेंटली तो 2-3 साल पहले की होगी, कोई 17 पासवर्ड होगा, 18 पासवर्ड होगा, या जॉब कर रहा होगा ग्रेजुएशन के बाद, आज उसके पक्का ओवरऑल 6-1 में चाहे 5.5 हो, इतने होंगे ही होंगे जब उसने UK कनाडा अप्लाई किया था। तो मतलब आप UK की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, जो नॉर्मल बोलते हैं कि आज किया हुआ विदाउट आज भी एडमिशन है, वो आप मैट कर रहे हो, तो आपका जो प्रोफाइल है वो UK के लिए एडमिशन के लिहाजे से हम देखते हैं तो परफेक्ट प्रोफाइल बनता है। तो आपको UK एडमिशन में आप देखना कनाडा वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती जो वहाँ से रिफ्यूज है। बट राइट टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कब हमें फुल स्टॉप लगाना है, कब और पैसे वेस्ट नहीं करने, कब और जो परेशानी है घर वालों को नहीं देने की, अब 4 साल हो गए, 4 रिफ्यूजल ले ली, 3 रिफ्यूजल ले ली, 5 रिफ्यूजल ले ली, अभी तक यही सिस्टम है, जबकि काफ़ी बच्चे हैं जो UK भी जा रहे हैं। UK देखिए अच्छी डेस्टिनेशन है, पढ़ने के लिए अच्छी है, और आगे भी कुछ ना कुछ पाथवे की ऑप्शन, आप इतने वहाँ रहेंगे अर्निंग तो करोगे करो, बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे प्रोफाइल जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताए उनके लिए मेरे हिसाब से UK बेस्ट है। और
जो सीरियसली यूके जाना चाहता उसके लिए तो मैं कहूँगा यूके नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि यूके से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, बिकॉज यूके एजुकेशन के मामले में सबसे बेस्ट है। अगर हम वैसे एरिया वाइज भी बात करें, एरिया नो डाउट छोटा है, लेकिन वर्क को लेके भी अभी कोई खास दिक्कत नहीं आ रही। अभी तो चलो खैर 1-1.5 साल से बहुत बच्चे जा चुके हैं, तो मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप सिर्फ कनाडा से 100% कंपैरिजन करोगे तो पीआर वाले मामले में आपको लगेगा कि हाँ कनाडा में पीआर इजी हो, हर किसी को दे देता है, लेकिन यूके में पीआर उसको मिलेगी जो स्किल्ड बंदा होगा, जो पढ़ेगा उसके बाद मेहनत करेगा अच्छी जॉब हासिल करेगा उसको मिलेगी। ये एक मेजर डिफरेंस रहता है, अदरवाइज मैं नहीं कहता कि कोई और बड़े वाला कोई डिफरेंस जो है इसमें आएगा। सो और डिटेल के लिए आप मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।